नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में बारिश से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून है, चमोली है, बागेश्वर है, यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का भी नाम इस लिस्ट में है और पिथौरागढ़ का भी। तेज बारिश यहाँ हो रही है। प्रदेश में कई जगहों पर सुबह से ही आज तेज बारिश का दौर जारी है। सितंबर महीने और हफ्ते की शुरुआत के साथ बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कई जिलों में अभी भी जारी है। बात करें बुधवार की, तो 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले 2-3 दिन इस तरह के हालात रहेंगे और कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मानसून हालांकि अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोकल डिस्टर्बेंस और मानसून के एक साथ जुड़ने से जगह जगह तेज बारिश हो रही है। खास बात है कि रुद्रप्रयाग और चमोली जिले, जहां पर चारधाम यात्रा है और अब यह माना जा रहा कि चारधाम यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी, ऐसे में अगर मौसम इसी तरीके का रहा तो वहां पर दिक्कतें जरूर रहेंगी, क्योंकि बद्रीनाथ रूट पर कई बार इस तरह की स्थितियां बनती है कि रूट बंद हो जाता है। केदारनाथ का जो पैदल रास्ता है वो पहले ही टूटा हुआ है, तो वहां पर काम करने में खासी दिक्कतें वहां पर मजदूरों को आएंगी या जो लेबर है उनको वहां पर आएगी। तो ऐसे में मौसम अगर खराब रहा और आने वाले दिनों में खराब रहा, खासतौर पर रुद्रप्रयाग चमोली जिले में, तो दिक्कतें यात्रियों की भी बढ़ेंगी, वहीं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और चमोली से खबर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से हाईवे बाधित हो गया। गोविंद घाट में हाईवे बंद है। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन बार बार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। आज भी मौसम विभाग ने चमोली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से फिर भूस्खलन हुआ है। गुफियारा के पास में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गंगोत्री हाईवे पर गिरे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में आए कुछ परिवारों को प्रशासन की टीम ने धर्मशाला में ठहराया। रात भर प्रशासन की टीम अलर्ट रही। वरुणावत पर्वत से लैंडस्लाइड को लेकर प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी वरुणावत से भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने वरुणावत पर्वत का जायजा लिया। इससे पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। एक महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात हुई थी। एक बार फिर से वरुणावत में खतरे की घंटी बज रही है। पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है। जी, और अन्य एक संस्था है, उनका गठन हो चुका है। उनको हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ बुला रहे हैं, ताकि वो अपना विजिट करें और अपने सुझाव दें, और उन्हीं के सुझावों के आधार पर हम लोग फिर जैसे बर्नआउट का पहले उपचार किया था उससे मिलता जुलता जो उनकी सिफारिश होगी वहां उपचार करें। खबर ऋषिकेश से, जहां पर देर शाम अचानक से मूसलाधार बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और SDRF को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंगा चेतावनी लाइन से महज कुछ ही दूरी पर बह रही है। ऐसे में घाट के आसपास रहने वाले लोगों को आगाह कर दिया गया है। गंगा से दूरी बनाने के लिए अपील की जा रही है। उधर देहरादून में नदी के बीच में टापू में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। SDRF और NDRF की टीम ने इन लोगों का देर शाम जो रेस्क्यू किया है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद देहरादून के टॉन्स नदी में आए पानी के सैलाब में ये लोग फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। SDRF NDRF के जवान यहां पहुंचते हैं और दोनों का रेस्क्यू करते हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल नदी में नहाते वक्त हादसा हुआ, 2 लोग डूब गए, जिसमें जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई एक शख्स को बचा लिया गया और एक शख्स की मौत हो गई है। और आइए बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जहां एक बार फिर से चारधाम यात्रा जो है तेज बारिश के बाद, मानसून के बाद पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी पहाड़ों पर बारिश का असर देखा जा रहा है। रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है। आज भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिर से चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है उसमें अब भीड़ पहुंचनी शुरू हुई है भोले के दर्शन करने के लिए। आस्था की नज़र से आप देखें तो
लोगों ने अपने एक बार फिर से कदम जो है वो चारधाम यात्रा की ओर बढ़ा दिए हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी चारधाम यात्रा करने के लिए ऋषिकेश लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर यात्रा टर्मिनल से नेपाल से आए हुए यात्री चारधाम के लिए निकल रहे हैं। हमें बद्रीनाथ केदारधाम बद्रीधाम गंगोत्री गंगोत्तरी जाएंगे। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमी भाई 31 दिन जान है। कब यात्रा शुरू कर रहे हैं? हम कहते हैं काल से शुरू होगा। देहरादून से खबर है अगली, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के धन सिंह नेगी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। धन सिंह नेगी ने साल 2022 में कांग्रेस के टिकट से टीवी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे धन सिंह नेगी। तो ये बड़ी खबर, एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं राजनीति के लिहाज से। उत्तराखंड से सुनील अप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील अप्रभात, ये बड़ी खबर है, इसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि कांग्रेसी कभी रहे, कट्टर कांग्रेसी रहे, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं धन सिंह नेगी। बिल्कुल कंचन, और एक तरह से धन सिंह नेगी की ये घर वापसी भी है। 2017 से 22 के बीच धन सिंह नेगी टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में जब बीजेपी ने सिटिंग विधायक होते हुए उनका टिकट काटा तो धन सिंह नेगी ने बीजेपी छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2022 में तब कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने कांग्रेस से ही बीजेपी में आए किशोर उपाध्याय को मैदान में उतारा था। धन सिंह रावत तब चुनाव हार गए थे। पिछले 2022 से अभी तक धन सिंह नेगी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो शामिल होते रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि क्या धन सिंह नेगी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। धन सिंह नेगी आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में करीब 12 बजे के आसपास आज एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, और खासकर जब केदारनाथ में विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है उसके मद्देनजर इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने उसके एक और नेता को तोड़कर अपने पाले में शामिल कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, जिसके लिए देखिए अभी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा में आने वाले 5 मंडलों में अपने 5 मंत्री और 5 पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गुप्तकाशी के लिए मंत्री सौरभ बहुगुणा, उखीमठ के लिए मंत्री सतपाल महाराज, अगस्त मुनि में मंत्री रेखा आर्य, अगस्त मुनि ग्रामीण में मंत्री सुबोध उनियाल और सतेरा खाल में मंत्री गणेश जोशी को जिम्मेदारी दी गई है।